हे गाइस, वेलकम टू माय चैनल। गाइस, सीबीएसई वालों के लिए एक बहुत ही बड़ी न्यूज निकल के आ रही है सीबीएसई रिजल्ट से रिलेटेड। गाइस, आपका जो रिजल्ट है वो जल्दी आने वाला है, तो जो पोर्टल पे है वो न्यूज अपडेट हो चुकी है कि आपका जो रिजल्ट है वो किसी भी टाइम निकल सकता है। देखिए, यहाँ आपका सिक्योरिटी पिन से रिलेटेड अभी लेटेस्ट अपडेट पोर्टल पे आई भी हुई है। जल्दी से जल्दी अपना पोर्टल, जो सीबीएसई बोर्ड का पोर्टल है, उसे आप ओपन कर लीजिए। cbse.government.in पोर्टल है ये, और इसे जैसे ही आप ओपन करेंगे तो यहाँ आप देखिए ऐसा वेबसाइट आपके सामने ओपन हो जाएगा। उसके बाद फिर आपको क्या करना है, शैक्षणिक वेबसाइट पे आपको क्लिक करना है, यानी जो आपका मेन वेबसाइट पे भी अगर आप क्लिक करेंगे, देखिए पेज इज नॉट वर्किंग दिखा रहा है। उसके बाद आप यहाँ देखेंगे कि यहाँ सिक्योरिटी पिन से रिलेटेड आपका एक लेटेस्ट न्यूज अपडेट की गई है। जैसे ही आप यहाँ क्लिक करेंगे तो उसके बाद आपके सामने कुछ ऐसा इंटरफेस ओपन हो जाएगा। ये सारा प्रोसेस ओपन होकर आ जाएगा कि आपको डिजी लॉकर अकाउंट ओपन करना है। अगर आपने डिजी लॉकर अकाउंट पे अभी तक आपने अपना रजिस्ट्रेशन नहीं करवाया है तो आप जल्दी से कर लीजिए, ताकि आप जल्दी से अपना रिजल्ट देख सके। आपका रिजल्ट बस आने ही वाला है, आपका इंतजार बस खत्म होने वाला है। यहाँ स्टेप बाय स्टेप सारी चीजें मेंशन की गई है कि कैसे आपको अपने डिजी लॉकर अकाउंट पे खुद को रजिस्टर करना है। सारा प्रोसेस वन बाय वन सब कुछ दिया हुआ है। सिक्योरिटी पिन जो है वो आपको स्कूल की तरफ से प्रोवाइड की जाएगी, यानी स्कूल कोड अगर आपको पता है, रोल नंबर पता है, 6 डिजिट सिक्योरिटी पिन जो कि कॉलेज वाले आपको प्रोवाइड करेंगे वो पता है, तो उसके बाद आप अपना रिजल्ट देख सकते हैं। तो ये सारा प्रोसेस है, अच्छे से कर लीजिए। सबसे पहले सीबीएसई की जो मेन वेबसाइट है उसे ओपन कीजिए, और जो नोटिफिकेशन आई है उसे जल्दी से रीड कर लीजिए। अगर आपको इन्फॉर्मेशन अच्छी लगी तो प्लीज वीडियो को लाइक कर दीजिए, और लेटेस्ट अपडेट के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक यू। आगे जो भी अपडेट आती है मैं तुरंत आपको अपडेट करती रहूंगी। थैंक यू।